आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। आज के हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड 2020 की। जी हां, हाल ही में राज्यसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड अमेंडमेंट 2020 को पास कर दिया है। ये बिल 6 मार्च को लोकसभा में पहले ही पास कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं आईबीबीआई के चेयरपर्सन डॉक्टर एमएस साहू और जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। हम आप दोनों मेहमानों को अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और मैं पहला सवाल डॉक्टर एमएस साहू से करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्या है? देखिए, आप सब लोग को पता है सारा दुनिया भर में कोरोना का प्रादुर्भाव चल रहा है। इसी वजह से भारत में, सारे राज्यों में और भारत बाहर में भी डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए लॉकडाउन हुआ है। बहुत इंडस्ट्री ऐसे है कि जो इस टाइम पे बिजनेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रेस्तरा है, एयरलाइन है, टूरिज्म है, ये सब लोग आज व्यवसाय कारोबार ठीक से नहीं कर पाते हैं। और हर जगह का सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, डिमांड का प्रॉब्लम है, इसीलिए हर कंपनी के लिए बिजनेस कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया है जी। इसी हालत में कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को ला जाएगा तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में होता है क्या कि एक प्रोसीडिंग शुरू होने का बाद एक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है, जो ये जिसका हालत खराब है ये कंपनी का सुधार कर सकता है। लेकिन इसी टाइम में जब सारे कंपनी का हालत खराब है, कोई ऐसे नहीं है कि जो आके दूसरा का मदद कर सकता है। सोच लीजिए, एक एयरलाइन अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा है और दूसरा कोई एयरलाइन का हालत इतना अच्छा नहीं है जो आके ये एयरलाइन को भी लिफ्ट कर सकता है। सो इसी प्रॉब्लम से भारत में एवं भारत बाहर में सारे कंट्रीज में इंसॉल्वेंसी लॉ में कुछ ना कुछ सुधार लाया गया है। कंट्री स्पेसिफिक सिचुएशन मुताबिक अलग अलग रिमेडी किया गया है। हमारा एक ऑर्डिनेंस का माध्यम में ये किया गया है कि जो कोविड पीरियड में, इसका मतलब जो शुरू हुआ 25 मार्च 2020 में, जिसी के दिन से लॉकडाउन, फास्ट लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसी डेट से शुरू करके जब तक ये कोविड प्रॉब्लम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल अभी मान के चल रहे हैं, शुरू करेंगे 6 महीना तक, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल, फिर देखा जाएगा। इसी टाइम में जो कंपनी का डिफॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम होगा, ये डिफॉल्टों को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए माना नहीं जाएगा। इसका मतलब रिजोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इस कंपनी के अगेंस्ट में शुरू नहीं हो पाएगा। शुरू होगा तो प्रॉब्लम ये है कि कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं मिला तो इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है कि कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। जो इंसॉल्वेंस लॉ का मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी को बचाना है, हम नहीं चाहते कि इसी टाइम पे फॉर फोर्स मेजोर कंडीशंस कम्प्लीटली बियॉन्ड मार्केट एंड कंपटीशन एंड इनोवेशन, जो नॉर्मली नहीं होता है, कंपनी बनाया गया है नॉर्मल मार्केट में कंपटीशन इनोवेशन के साथ काम कर सकता है, लेकिन ऐसे जो कोरोना का सिचुएशन आएगा, इस हालत में काम करना सबके लिए डिफिकल्ट है। इसलिए डिसाइड किया गया है कि कंपनी को ज़बरदस्त लिक्विडेशन भेजने से ये अच्छा है कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को ना आने दो। ये है मुख्य उद्देश्य, ये लास्ट जो ऑर्डिनेंस बना है जी। मैं डॉक्टर शरद कोहली से फिर एक दरख्वास्त करता हूँ कि आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है लाइफ में और आप एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे इसको देखते हैं, इस चेंज को, ये जो आईबीसी कोड अमेंडमेंट 2020 है? देखिए, होता क्या था शर्मा जी, के कंपनीज यहाँ पर बनती थी, बहुत सारे छोटे छोटे लॉस थे, कुछ कंपनी कामयाब होती थी, कुछ नहीं होती थी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता था वो होता था जब कंपनी लोन ले लेती थी, क्रेडिट ले लेती थी, तो उस समय जिसने क्रेडिट दिया हुआ है, जिसने लोन दिया हुआ है, उसको कंपनी से वो वसूलने में बड़ी दिक्कत आती थी कि वो कैसे वसूले, सिविल केस फाइल करे। उसके सामने कोई एक एयर टाइट मैकेनिज्म नहीं था कि वो रिकवर कर सके। तो मैं समझता हूँ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आने से
दोनों ही तरफ से दो तरफा इसका फायदा हुआ है. पहला जो लेंडर्स हैं जो क्रेडिट देते हैं उनको फायदा हुआ है कि अब उनके पास एक रास्ता है अगर कंपनी जिद करती है नहीं देने का, या कंपनी किसी के पैसे जैसे आम हम भाषा में कहते हैं मारती है, कंपनी किसी के पैसे मार लिए या वो नहीं दे पा रही, तो उनके सामने एक रास्ता है आईबीसी का सहारा लेके उसको जल्दी लिक्विडेट किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है. और दूसरी तरफ अगर हम दूसरा इसका पहलू लें कि कंपनी के एंड से क्या बेनिफिट, क्या खाली लेंडर्स को ही या लोन देने वालों को ही फायदा है, जी नहीं, कंपनीज को भी फायदा है, क्योंकि कंपनी के अपने आप को बुझाने का, अपने आप को एस्टिंग्विश करने का, अपने आप को एग्जिट करने का जी बहुत मुश्किलात थे, उसमें इतना आसान नहीं होता था. तो मैं समझता हूं कुछ लोग ये मानते हैं कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट खाली लेंडर्स के फेवर में है, उन्हीं का फायदा पहुंचाता है जिन्होंने पैसा कंपनी को दे रखा है या जिन्होंने कोई ऑपरेशनल क्रेडिट दे रखा है. पर मेरा ये मानना है, और साहू साहब भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे, कि दोनों तरफ से ये फायदा है. तो इस कानून के आने से, बल्कि इसको कोड कहा जाता है, कानून भी मैं नहीं कहूंगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे जी. पर इसके आने से मैं समझता हूं एक पूरा नजरिया कॉरपोरेट वर्ल्ड का, कॉरपोरेट लेंडिंग का, उधार देने का, अगर मैं बहुत सरल भाषा में हमारे डीडी उर्दू के दर्शकों के लिए कहूं, तो मान लीजिए कंपनी ने किसी से उधार लिया हुआ है, अब वो उधार लेने का जो सारा नजरिया है पूरा पहलू ही बदल गया है, और अब देने वाला बहुत अपने आप को महफूज महसूस करता है कि मेरी जो है दी हुई राशि अब सेफ है, अब इतना आसान नहीं है किसी कंपनी के लिए मेरे पैसे को लेके भाग जाना. तो अगर सरल आसान भाषा में हम समझें तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इस चीज को डिफाइन कर देता है. बहुत बढ़िया. मैं समझता हूँ कि शायद इससे बेहतर आईबीसी की कोड की डेफिनेशन या उसको एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाना इससे बेहतर नहीं हो सकता. मैं इसी को आगे बढ़ाता हुआ डॉक्टर साहू से बात करता हूँ कि आपने अभी बतौर आईबीबीआई चेयरपर्सन एक ऑनलाइन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्विज बनाया है, तो उसके पीछे क्या मंशा है? क्योंकि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड एक बेहद टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन आम आदमी को इसको समझना ही होगा अगर उसे अपने पैसे सेफ रखने हैं, अगर उसे उसे अपने पैसे को टॉकिंग मनी बनाना है. देखिए, हमारे कंट्री में इंसॉल्वेंसी लॉ तो था, किस फॉर्म में था, एक प्रोविंशियल एक्ट था, प्रेसिडेंशियल एक्ट था 1905-1920, लेकिन इसको कोई कभी यूज नहीं किया है. 2016 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक मॉडर्न बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रेशनल, एंड जो डॉक्टर कोहली साहब ने कहा है कि जो दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेंडर एंड डेटर दोनों का इंटरेस्ट को साथ में रख के कोई समझदार निकालना है, ऐसे लॉ नहीं था. और ये लॉ का और एक मुख्य उद्देश्य था जो डॉक्टर कोहली साहब ने भी कहा, हमारा लॉ था 1992 से हमने शुरू किया एक अभियान, बिजनेस शुरू करने का तरीका जितना आसान हो सकता है, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस. इसमें कुछ हालत सक्सेस होने का बात 2000 में कंपटीशन लॉ बन गया 2002 में, तब हमारा फोकस आ गया कि फ्रीडम एट मार्केट प्लेस कितना अच्छा से कम्पीट कर सकता है. और अंदर तो आ गया, व्यवसाय शुरू कर लिया, लेकिन व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, इसको निकलना है, वो तरीका नहीं था. वो 2016 में ये लॉ आया, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एग्जिट. दिस इज लाइक वी टॉक्ड अबाउट सिविल फ्रीडम और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये इकोनॉमिक फ्रीडम भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंस है. और इसी को मैं एविडेंस दे सकता हूँ, तो 92 से हमारा ये स्वाधीन का सिलसिला शुरू हुआ जी. 92 से 2020 तक इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर, इरेस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ग्रोथ रेट हमारा 7% ऑन एवरेज 30 साल हो रहा है. इसको कंपेयर करो 1947 से 1992 तक, एवरेज ग्रोथ रेट इसका आधा था. सो फ्रीडम इतना फर्क कर दिया है हमारा देश को. और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, सारे किस्म का बिजनेस का है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. ये लॉ भी इंडिविजुअल के लिए भी बना गया है. इंडिविजुअल भी कुछ हो सकता है छोटा बिजनेस शुरू किया है ना, क्या है भी, तो भी पर्सनल लाइफ में भी कुछ कंज्यूमर लोन लिया है. सो ये भी ऐसे फंस जाता है. और कभी कभी हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लोन लेते हैं, और वो इनफॉर्मल सेक्टर
they don't follow formal means of recovery. Sometimes they become uncivilized also. So, ये law सबके लिए बनाया गया है. कॉर्पोरेट से इंडिविजुअल तक सबका फायदा के लिए ये बना गया है. और ये लॉ का है कि सबको निकलना है. इंडिविजुअल का भी इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. सो ये जो हम क्विज कर रहे हैं, ये सारा ये लॉ अभी इंडिविजुअल पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा छोटा पार्ट हुआ है जिसको हम कहते हैं पर्सनल गारंटर टू कंपनीज. लेकिन बिफोर वी गो फॉर द एंटायर मास ऑफ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, ये सारे लोग को इफेक्ट करता है. सबको पता होना चाहिए ये लॉ को यूज कैसे करें और करने में क्या फायदा है. ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए IBBI बहुत कुछ प्रोग्राम कर रहा है. इससे ये एक छोटा क्विज शुरू किया है जिससे कि ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पता लग सकता है कि ये नया लॉ क्या है. जी, तो अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए आपने ये ऑनलाइन नेशनल इंसॉल्वेंसी क्विज किया. मैं यहीं से इसकी बेसिक पे आता हूँ. डॉक्टर कोहली, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टसी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? अक्सर माना जाता है कि इंसॉल्वेंस हो गया तो बैंक्रप्ट भी हो गया. देखिए, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जब ये आया था शर्मा जी, तो लोग यही सोचते थे कि इंसॉल्वेंसी कुछ तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को एक ही समझते थे और उनको फ़र्क नहीं पता था. अब जब से उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा कोड निकाला है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा. तो हम अपने दर्शकों को आज ये राज खोल ही देते हैं कि क्या फ़र्क होता है. देखिए, इंसॉल्वेंसी एक इकोनॉमिक स्ट्रेस की सिचुएशन है कि मतलब आपके पास अब कहते दिवालिया सुना होगा आप लोगों ने, आराम जरूर सुना होगा, बहुत बार सुना होगा. खैर, हम दिवालिया पे नहीं जाते. मतलब आपको दिक्कतें बढ़ रही हैं, आपके पास पैसा खत्म होता जा रहा है, आपके पास अपने लोन्स को वापस करने के लिए अब उतना धन मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है. तो इकोनॉमिक स्ट्रेस जब बिल्डअप होती है उसकी, आप ऐसा समझ लीजिए कि बैंक्रप्सी की राह में कहीं इंसॉल्वेंसी आती है. और जब हम बैंक्रप्सी की तरफ जाते हैं तो वो एक डिफाइंड ऑर्डर पास हो गया आपके खिलाफ कि अब आप बैंकक्रप्ट हो गए. अब आपके पास वाकई में जितना दे सकते थे दे दिया, जितना भुगत सकते थे भुगत गए, अब बस कुछ नहीं बचा, जिसको कहते हैं आप हाथ खड़े कर दिए. तो आप समझिए कि एक रास्ता है, उस रास्ते का एक पड़ाव, अगर मैं आसान भाषा में फिर कहूं, उस रास्ते का एक पड़ाव है इंसॉल्वेंसी. और उसका जो मकाम है, बहुत अच्छा मकाम तो नहीं है, बैंक्रप्सी को बहुत अच्छा मकाम नहीं होता, पर क्योंकि हमने समझना है तो इंसॉल्वेंसी एक इकोनॉमिक स्ट्रेस है और बैंक्रप्सी उसका जाके एक ऑर्डर जब पास हो जाता है, कंक्लूसिव ऑर्डर. आजकल कोड IBC के अंडर NCLT का कोड बना हुआ है, NCLT एपिलेट ट्राइब्यूनल भी है, उसके बाद और भी रास्ते रहते, पर आप समझ लीजिए जब एक मकाम पे आप पहुंच गए तो आपको बैंक्रप्ट फिर घोषित कर दिया जाता है. जी, बहुत बेहतर. डॉक्टर साहू, अभी हमने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में फ़र्क देखा. एक इससे एक चीज़ और आ रही है मेरे दिमाग में, जहन में, वो ये कि अभी मैंने कहा IBC कोड 2020 या IBC कोड 2016, 2018, 2019, एक्ट क्यों नहीं है इसमें? क्या कोड और एक्ट में कोई डिफरेंस है? अच्छा, 2016 में ये कोड बना था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इसका बाद में जो अमेंडमेंट होता है, 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है और इसको कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट. ये हम नहीं कहते हैं कि कोड 18, कोड 20, कोड एक ही है, कोड रिमेंस 2016. इसी में कुछ कुछ सुधार किया जाता है. कोड का मतलब है कि हमारे पास कोड भी पहले था, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है. रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडियन फाइनेंस कोड बनने जा रहा था, अभी कुछ रुक गया है, और कुछ भी वेज मामला में कोई कोई एरिया में भी कोड है. कोड का इतना तो लीगल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये अलग है एक्ट से, बट ज़्यादातर हम मानते हैं कि जो कंप्लीट है, सेल्फ कंटेंड है, सारे चीज़ जो शुरू से एंड तक सब चीज़ इसमें डील होता है. आपको और कोई लॉ का पर कुछ डिपेंड करना नहीं पड़ेगा, एक ही कोर्ट में सब हो जाएगा. और यह है कि मैंने जब पहले कहा सारे किस्म का इंसॉल्वेंसी, कॉरपोरेट से, इंडिविजुअल से, दुनिया का सबको, पहले 2 अलग लॉ था सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, कॉरपोरेट के लिए 5-7 लॉ था, कंपनीज एक्ट था, सिक्का था, सरफेसाई था, ये सब मिला के अभी एक ही लॉ बना दिया गया है. सो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल के लिए बना गया है और एंटायर प्रोसेस इसी में डील हुआ है, इसीलिए को कोड माना जाता है.
अगर इसको मैं सही शब्दों में कहूँ तो बहुत सारे एक्ट्स को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया गया, एक बॉडी में या एक बुक में, बुक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे हम कोड कहते हैं। उसको अगर शर्मा जी अगर ऐसे देखें, मैं अगर साहू साहब की बात में कुछ और जोड़ दूं, तो ऐसे देखें कि कुछ छोटे 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 बहुत सारे लॉज थे पुराने, कुछ को रीअपील कर दिया गया, कुछ तो उन सब का एक बुके बना दिया गया। आप समझिए, बुके में छोटे छोटे फूल होते हैं, कई किस्म के होते हैं, तो जब आप पूरे को बुके कहते हैं तो कोड एक प्रकार से बुके है। छोटे छोटे कुछ नए बनाए गए कानून और कुछ पुराने एक्ट को रीअपील करके उस पूरे को हमने एक बुके फॉर्म में कोड कह दिया। अब मैं एक बेसिक सवाल पे आता हूँ जो कि हर बिजनेसमैन से लेके आम आदमी के दिमाग में आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो क्या आईबीसी कोड को हम एक इकोनॉमिक टूल माने या अपने आप में एक कंप्लीट रिफॉर्म माने? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा 1992 से शुरू हुआ। रिफॉर्म का मतलब सिर्फ यही है कि लोगों के लिए बिजनेस करना आसान करना है, लोगों का पास फ्रीडम होना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड बैंक इसको मानता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर में मेजर करता है कि ये देश में कितना आसान है बिजनेस करना। आसान का मतलब है कि लोगों के हाथ में फ्रीडम है क्या बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस क्लोज करने के लिए, मार्केट प्लेस में कम्पीट करने के लिए, ये बिजनेस क्लोज करके इसका रिसोर्स लेकर दूसरा बिजनेस में लगाने के लिए। ये होता है फ्रीडम एट मार्केट प्लेस फ्रीडम, बिकॉज वी मूव टू ए मार्केट इकोनॉमी, सो देर इज अ काइंड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट इन द इकोनॉमिक थिंकिंग एंड आईबीसी इज ए फर्दर पैराडाइम शिफ्ट। इट गिव्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम टू एग्जिट। विथ दिस अगेन द बुके ऑफ रिफॉर्म्स और बुके ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इज कंप्लीट। सो दिस इज ए वेरी फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म बट इन द स्पेस ऑफ फ्रीडम एंड दैट मेक्स द फ्रीडम स्पेस कंप्लीट। डॉक्टर शरद कोहली इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? मुझे मुझे लगता है कि जीएसटी जो कि सबसे बड़ा रिफॉर्म था 2014 में जब हमारी नई सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके बाद जो अगर दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म था आर्थिक जगत में तो ये आईबीसी था। और ये इसको हम रिफॉर्म ही कहेंगे, इसको टूल नहीं कहेंगे। इसलिए रिफॉर्म कहेंगे क्योंकि इसने बिजनेस को देखने का नजरिया बदल दिया। जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते थे, जैसा कि अभी साहू साहब भी कह रहे थे कि जो बाहर से यहाँ काम कर, मैं ऐसे ऐसे मुल्कों को जानता हूँ शर्मा जी जहाँ पर कंपनी को शुरू करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं, और शुरू करने में नहीं बंद करने में भी, अगर आपके सारे कंप्लायंस पूरे, बंद करने में शायद इससे भी कम वक्त लगता है। तो उन कंट्रीज को बिजनेस के लिए बड़ा फ्रेंडली माना जाता है कि ये कंट्रीज बड़ी अच्छी हैं, यहाँ तो घुसना भी आसान है, निकलना भी, ये नहीं कि भाई घुस के फंस गए अब तो, अब यार कहाँ बाद में सोचे कहाँ कंपनी खोल ली यार, गलती करी यहाँ खोल के। तो मुझे लग रहा है ये बात सरकार के जहन में थी कि यहां आ तो जाते हैं लोग, पर जब यहां से निकलने के लिए उनको लगता है तो फंस गया, पेच फंस गया यहां पर। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, ये टूल भी है, रिफॉर्म तो है ही साथ में टूल भी है, क्योंकि आपको ये बहुत सारी सहूलियतें देता है, बहुत सारे स्टेप्स लेने के बिजनेस से संबंधित आपको ये फैसिलिटी भी देता है। तो इसलिए पहले ये रिफॉर्म है, पर इसको अगर टूल भी कहें एक एक किस्म से तो वो खराब नहीं होगा। साहू साहब, ये आईबीसी कोड क्या हमारे बैंकिंग या नॉन बैंकिंग सेक्टर को एम्पावर करेगा? बहुत एम्पावर किया है और फायदा भी बहुत हो चुका है। इसका होता है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होता है, ये राइट होता है डेटर का पास होता है, क्रेडिटर का पास होता है। डेटर अपने आप कंपनी कह सकता है कि मेरा हालत ठीक नहीं है, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। क्रेडिटर आके भी कह सकता है आपने मेरा पैसा वापस नहीं दिया है, आपका पास कुछ डिफिकल्टी है, इसको सुधारते हैं। एंड इसीलिए ये लॉ गिव्स ए प्रोसेस टू डू दैट। सो ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये दो कैटेगरीज में क्रेडिटर को डिवाइड किया जाता है। बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल क्रेडिटर में आते हैं, उनको एक लिटिल स्पेशल स्टेटस दिया गया है लॉ में एज कम्पेयर टू ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड देर इज ए रीजन फॉर दैट, एंड दैट हैज ऑल्सो बीन अपहेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट, वाई स्पेशल ट्रीटमेंट टू दीज टू काइंड ऑफ क्रेडिटर्स। सो बैंक वालों ने, बैंक या एनबीएफसी जहाँ जहाँ पैसा लगाए हैं और उनका पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा था, वो भी आके ये प्रोसेस यूज किए हैं। और आपने सुना होगा ये तो लॉ आया जून में 16 को आया, इम्प्लीमेंट हुआ 1 दिसंबर 2016 में। जून 17 में आरबीआई ने एक बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा डिफॉल्टर को चुन के बैंक को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करो।
इसमें थे ईसा एस आर भूषण आमटेक इलेक्ट्रो स्टील वो सारे बड़े बड़े कंपनी थे जहाँ की बड़े बड़े रकम था कि नहीं मिल रहा था। ये 12 कंपनी से 2 लाख प्लस करोड़ मिलना था जी, डिफॉल्ट था, एनपीए था 2 लाख प्लस करोड़ ये 12 में जी। बट अब तक हमारा ये 12 सबसे बड़ा है जी, लेकिन अब तक 4000 कंपनी इसमें आ चुके हैं, प्रोसेस चल रहा है, कोई कोई कंप्लीट भी हो गया है। इसमें एक एक से बड़े कंपनी थे, एसआर था जिसका रिजोल्यूशन हुआ जिसी में क्रेडिटर को 42,000 करोड़ मिला और कंपनी जिसका हाथ में था वो नहीं चला पा रहा था और एक मोर एफिशिएंट आदमी को चला गया। ये लॉ ऐसे भी है कि एक नया प्रोविजन इसमें है कि ये कंपनी रिजोल्यूशन प्रोसेस में इसी के हाथ में जाएगा जो क्रेडिबल है, कैपेबल है। ऐसे नहीं कि वो वहाँ उनके हाथ में जाने के बाद फिर 3 महीने बाद यही प्रोसेस शुरू होगा। सो और एक भूषण कंपनी है, वहाँ भी 40,000 करोड़ में भी कंपनी चेंज्ड हैंड्स। सो ऐसे ही बहुत फायदा हुआ है बैंकों को। पहले बैंकों का पास ऑप्शन था डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जाना जी, या लोक अदालत जाना, जहाँ रिकवरी बहुत कम होता था और सरफेस आई भी था, BIFR था, जहाँ 15 साल 20 साल ऐसे लगता था। मैं सुना हूँ भी कोई कोई कंपनी है लिक्विडेशन कंप्लीट होने के लिए 100 साल भी लग गया है और रिकवरी बहुत कम हो रहा था जी। अब भी रिकवरी है ऐसे कि बैंक को मिला है अबाउट जितना पैसा उनको लोन दिया था इंटरेस्ट का साथ मिला के जितना मिलना था इससे 46% मिला है। लेकिन जो कंपनी का पास जब प्रोसेस शुरू हुआ जितना एसेट था, इसने देखा गया इतना ही एसेट था जब शुरू हुआ, ये एसेट का दुगुना मिला है। इसका मतलब आई थिंक ये इससे जो 9 कंपनी कंप्लीट हो गया रिजोल्यूशन, उनका पास एसेट अबाउट 80-85,000 करोड़ था जी। लेकिन बैंक को रिजोल्यूशन होने का बाद कंपनी को बचाया, कंपनी बचाने का बाद बैंक को 1,75,000 करोड़ मिला है। सो 100% 200% मिला है, जैसे किसी 100% बोनस आप कह सकते हैं, नहीं तो कंपनी को आप बेच देते तो, या पीस मिल में या डेट रिकवरी जहाँ भी जाते हो, जितना एसेट है इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एसेट जितना है इसका दुगुना मिला है और कंपनी भी बचा है। ऐसे ही फायदा हुआ बैंक को और NBFC को। कोहली साहब, अभी डॉक्टर साहू ने कहा कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, इसके साथ एक और टर्म है NCLT, तो इन दोनों का एरिया क्या है और क्या ये इस चीज़ को, इस थीम को अब मोटिव करते हैं कि फर्स्ट डिजायर एंड देन डिजायर? नहीं बिल्कुल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की देखिए, जो सारा IBC का जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जी, उसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं जी। उस पिलर्स में NCLT एक बहुत अहम पिलर है। IBBI तो पिलर है ही है, जो कि एडमिनिस्टर करता है, सारी चीज़ों को देखते हैं, साहू साहब उसके चेयरमैन हैं, उनको बेहतर जानकारी है कि वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद NCLT आता है। फिर इसमें एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, IRP जिसको कहते हैं जी। वो इसका तीसरा पिलर है। पहला पिलर हो गया IBBI, दूसरा पिलर हो गया NCLT, तीसरा हो गया आपका IRP, चौथा पिलर होता है एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होती है, जहां डेटा है, सारे लेंडर्स के बारे में जानकारी है। तो इन 4 चीज़ों को मिला के एक पूरा का पूरा ये IBC का इकोसिस्टम बनता है। आपने NCLT की बात करी, तो NCLT जो है एक क्वाजाई कोर्ट की तरह काम करता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो आपने पूछा कि DRT और इसके बीच में फर्क, तो DRT जो है वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, वो बेसिकली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर को ध्यान रख के बनाया गया है और बहुत सालों से है, आज से नहीं है, बहुत पुराना है। से देखते पर उसका जो सक्सेस रेट है, मुझे लग रहा है कि मैं दोनों को आपस में परस्पर विरोधी नहीं देखता हूं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं देखता हूं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। NCLT में आपका केस जाता है जब आप IBC एक्ट के अंदर अपने आप को लाते हैं, और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल उन कंपनीज की जो बैंकों से रिकवरी निकली हुई है, जो केसेस बोरोवर्स हार चुके हैं, उसको कैसे वसूलना है, कितना वसूलना है। हालांकि मैं ये मानता हूं साहू साहब की बात से सहमत हूं कि DRT का कोई बहुत बड़ा सक्सेस रेट नहीं है, और NCLT ने आके उसको सपोर्ट किया है और सपोर्ट करके उसकी अहमियत बढ़ा दी है। आज दोनों अगर मिल के चलें, आप समझ लीजिए एक साइकिल के 2 पहिए हैं, तो दोनों पहिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक भी पहिया ना हो तो दिक्कत होती है। पर NCLT में एक बहुत बड़ा फर्क जो आया है, वो मैं इस पे
जरूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। वो फर्क यह आया कि पहले क्या था कि क्यों नहीं पैसा लेने वाला पैसा वापस करता था। अगर हम इस पे जाएं और ये आईबीसी का जो कहते हैं ना बिल्कुल आंख जो फोकस है वो यही है, इसलिए नहीं करता था वापस क्योंकि इतना लंबा वो प्रोग्राम चलता था। जैसे अभी साहू साहब ने बताया कि अगर किसी के पास 1,00,000 करोड़ के एसेट्स हैं तो अगर आप 15-20 साल तक उसको च्युइंगम की तरह खींचे चले जाएंगे लंबा, तो होते होते क्या होता है आपकी एसेट डिप्लीशन होती जाती है, थोड़ा सा आप जो अंदर इंटेंशन होती है वो भी बोरोवर की बदलती जाती है। अब एनसीएलटी की खूबसूरती क्या है, आईबीसी की खूबसूरती क्या है कि वहां एक टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड पूरा का पूरा प्रोसेस रखा गया है, 270 दिन का टाइम बाउंड प्रोसेस रखा गया उसको। हालांकि अभी थोड़ा बढ़ाया गया है, 330 तक किया गया, 330 तक किया, पर उसमें पूरा लिटिगेशन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो टाइम बाउंड पूरी की पूरी प्रोसेस है इससे फर्क आया है। और हालांकि स्टैट्यूटरी पावर्स तो डीआरटी के पास भी थी, ऐसा नहीं था कि डीआरटी के दांत नहीं थे काटने के लिए या डीआरटी के पास ये ताकत नहीं थी कि वो जाके पैसा वसूल ले, पर ये जो कोर्ट के अंतर्गत एक अलग से कोर्ट बना एनसीएलटी और उस कोर्ट ने एक समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड तरीके से जो पूरा प्रोसेस किया, मुझे लग रहा है ज्यादा फर्क उससे आया। पर फिर भी मैं डीआरटी को पूरी इज्जत देता हूं और मैं मानता हूं कि डीआरटी अपना काम करता है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्टर एमएस साहू और डॉक्टर शरद कोहली, आपका तहे दिल से शुक्रिया। समय की मजबूरी थी वरना ये चर्चा और बेहतर होती और पीपल से भी होती। और हमारी कोशिश भी यही रहती है नाज़रीन कि हम अपने नाज़रीन को फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स को देखते हुए जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है वो आपको बताएं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड, उसी में एक अगली हमारी कड़ी थी। और पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। अपनी राय और सजेशंस आप हमें भेज सकते हैं, इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dd.urdu.specials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आदाब।